हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना टीचर अजय यादव आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नाइन्थ क्लास का चैप्टर मोशन, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चे, अभी तक हमने जो पढ़ लिया वो क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ चुके, हम लोग डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके, स्पीड हम पढ़ चुके, वेलोसिटी हम पढ़ चुके। तो आज हम करते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स कम की थी, तो आज हम प्रॉब्लम्स ज्यादा करने वाले हैं, ताकि जो भी हमने पढ़ा है, देखो फिजिक्स अगर हमें बहुत अच्छे से सीखनी है, यानी एक एक कंसेप्ट को सीखना है, तो उसका एक ही तरीका है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, थ्योरी को बड़े अच्छे से समझे और जो क्वेश्चन है उनको बड़े अच्छे से पढ़े, क्लियर, अच्छे से सोल्व करें। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया डिस्टेंस, डिस्टेंस हम पढ़ चुके, डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके, यानी ये दो चीज तो हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं। थर्ड वन हम क्या पढ़ चुके, स्पीड के बारे में पढ़ चुके कि स्पीड क्या होती है मेरे पास, वेलोसिटी क्या होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमने ये देखा था कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास हमने पढ़ा था कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। वहीं पे बात करूं स्पीड की, तो स्पीड भी मेरे पास कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। और वेलोसिटी जो थी मेरे पास वो कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो या अभी तक जो हम इतना सब पढ़ चुके हैं, क्लियर। डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है, मीटर। स्पीड की बात करूं तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये किन की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की। अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो डिस्टेंस की हो जाएगी सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी सेंटीमीटर, स्पीड की सेंटीमीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की क्या हो जाएगी मेरी, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं, अब उसी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली प्रॉब्लम है बच्चों, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो जो हमें क्वेश्चन गिवन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, क्लियर। देखो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मान लो मेरे पास ये पॉइंट ए है, और यहां से घूमकर मैं पॉइंट बी पर आ गया, कहां पे आ गया, पॉइंट बी पर आ गया। तो जो मेरे पास डिस्टेंस होता था, तो डिस्टेंस क्या होता था मेरे पास, जो एक्चुअल पाथ, यानी ये जो पाथ लेंथ है ना, ये वाली, यहां से स्टार्ट करूं ये वाली, ये जो पाथ लेंथ आएगी ना, टोटल पाथ लेंथ, इस टोटल पाथ लेंथ को क्या बोला जाता था, डिस्टेंस, ये वाली। और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये वाला, ये वाला। तो ये जो व्हाइट, व्हाइट से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगी वो क्या होगा, मेरा डिस्टेंस। तो आपको यहां से दिख भी रहा होगा, देखो डिस्टेंस बड़ा दिख रहा है, यहां पे डिस्टेंस क्या दिख रहा है, बड़ा। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, या तो इक्वल होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। इक्वल कब हो सकता है, मान लो मेरे पास ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी यहां से चलकर मेरा ऑब्जेक्ट बी पे गया है, क्लियर। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन की मैं बात करूं, तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ भी वही होगा और एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया है वो भी वही होने वाला है। तो यानी इस केस में, यानी स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं, स्ट्रेट लाइन में जो मेरा डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। अगर बॉडी किसमें मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, अदरवाइज जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया मेरा, क्या निकल के आया, कि जो मेरा डिस्टेंस होगा वो मेरा या तो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां से जो कंसेप्ट निकल के आया क्या है, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा,
बड़ा होगा। क्लियर है? इक्वल कब होगा? जब बॉडी हमारी मूव कर रही होगी किसमें? स्ट्रेट लाइन में, यानी स्ट्रेट पाथ जब होगा तब मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल रेशियो। अब देखो न्यूमेरिकल रेशियो की मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरे डिस्टेंस से क्या है? छोटा है, या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। इसका मतलब ये वाली चीज हमेशा क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू वन। यानी वन के इक्वल कब होगी? जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? इक्वल। और लेस देन कब होगी? जब डिस्टेंस, यानी जब स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा तब तो डिस्टेंस बड़ा ही होगा। तो यानी हमेशा ये क्या आएगी? लेस देन वन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो क्या है? लेस देन वन। भाई इक्वल भी तो हो सकता है। दूसरा क्या है? इक्वल टू वन। नहीं, इक्वल टू और लेस देन वन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इक्वल टू और ग्रेटर देन वन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस हमेशा छोटा होगा किससे? वन से। या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पे ऑप्शन नंबर थ्री क्या है? करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट था मेन, कौन सा कंसेप्ट था? ये वाला कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके क्या होगा? इक्वल होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में हमने ये कंसेप्ट सीखा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ। देखो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। देखो क्या है क्वेश्चन? ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ। यानी कोई पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्लियर है बात? ऑफ रेडियस आर, देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। देखो बड़ा सिंपल है, सर्कुलर पाथ है ये वाला मैंने ले लिया। क्या है मेरे पास? सर्कुलर पाथ है, इसमें घूम रहा है पार्टिकल। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी क्या गिवन है हमें? रेडियस गिवन है कि जो ये है इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये हमें गिवन है आर। यानी हमें रेडियस गिवन है, और रेडियस कितनी गिवन है भाई? आर। अब देखो मैं मान लेता हूं यहां से स्टार्ट किया, ए से पार्टिकल ने कहां से चलना स्टार्ट किया? ए से चलना स्टार्ट किया। अब ए से चलकर बोल रहा है कि वन, देखो यहां से देखो, आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी पूरा एक राउंड लगा दिया। यानी यहां से चला और घूमकर वापिस कहां पे आ गया? यहीं पर आ गया। अब मैं सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है भैया? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। यानी ए से चलकर वापस ए पे आ गया तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितना किया? इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस। तो सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस हमारा कितना होता है? 2πr। ये सर्कमफ्रेंस होता है किसका? किसी भी सर्कल का। तो जब ए से चलकर वापस ए पे आ गया तो कितना चला भाई? सर्कमफ्रेंस पे ही तो चला, ऐसा थोड़ी कहीं बीच में घूम रहा है भाई। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है? कि सर्कल से ऐसे चलकर आया है। यानी कितना लेंथ होगा भाई? जो सर्कमफ्रेंस होगी सर्कल की वही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। यानी ए से चला वापिस घूमकर ए पे आ गया तो जो मेरी सर्कमफ्रेंस होगी वही मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया क्या भाई? कि मेरे पास जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां से मान लो ये पाथ था मेरे पास, ए से चलना स्टार्ट हुआ था और घूमकर कहां पे आ गया मेरा? वापिस कहां पे आ गया? वापिस ए पर ही आ गया। कहां पे आ गया भाई? वापिस ए पर ही आ गया। तो अगर ए पे घूमकर आ गया तो देखो इनिशियल पोजिशन भी यही थी। अगर मैं बात करूं इनिशियल पोजीशन की, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी मेरी? ए थी। क्लियर? अच्छा बात करें फाइनल पोजीशन की, तो फाइनल पोजीशन भी क्या है मेरी? ए ही है। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? हमने क्या पढ़ा था भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो भाई वहीं पे है, ए पे नहीं है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ? जीरो। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो यहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू जीरो।
क्लियर। तो देखो मेरे पास डिस्टेंस आएगा 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा जीरो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो यहां पे देखो ये वाला डिस्टेंस क्या है यहां पे 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास जीरो, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास करेक्ट आंसर। क्लियर बात। तो देखो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट क्या पकड़े हम कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, क्लियर, और डिस्टेंस क्या होगा एक्चुअल पाथ लेंथ। एक चीज और है कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डिस्टेंस जीरो हो ये जरूरी नहीं है। यहां पे देखो ना डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो लेकिन डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब डिस्टेंस भी जीरो होगा ये जरूरी नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो क्या गिवन है, ए पर्सन मूव ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। देखो ये ए से बी तक दिया गया है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें, रेडियस लिख लेते हैं भाई, रेडियस हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। क्लियर, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में और क्या गिवन है। इफ ही स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेज द अदर एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मान लिया कि भैया यहां से स्टार्ट कहां से कर रहा है ए से, फाइनल कहां पे पहुंच गया बी पे, बोला ना दूसरे एंड पे, तो सबसे पहले इनिशियल पोजिशन क्या है भाई, इनिशियल पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल पोजिशन कहां पे है ए पे। अगर मैं फाइनल पोजिशन की बात करूं तो फाइनल पोजिशन मेरा कहां पे है बी पे है, यानी यहां पे है इनिशियल और फाइनल यहां पे है। क्लियर बात। अब पूछा क्या है, हमें बताना क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, अब देखो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे देखो डिस्टेंस की मैं बात करूं तो पूरा अगर ये सर्कल ऐसे पूरा होता तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, लेकिन यहां पे सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस तो मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, देखो पूरा जब होता है सर्कमफ्रेंस तो कितना होता है 2 पाई आर, यहां पे कितना है हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं, ये वाला है हाफ सर्कल, तो ये मेरे पास कितना हो गया पाई आर, कितना हो गया पाई आर। क्लियर, अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट ये क्या है रेडियस है और ये हुआ क्या है रेडियस, तो ए से बी तक की मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट यानी ए बी डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर कितना होता है 2r, यानी 2r का मतलब क्या है भैया 2 इंटू आर कितना गिवन है 40, तो मेरे पास कितना आ गया 80 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा यानी थर्ड वन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा 80 मीटर। क्लियर, तो बात समझ में आया कि मुझे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। देखो देखो क्वेश्चन जब फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल करो ना तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पार्ट्स में यानी टुकड़ों में तोड़कर पढ़े, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसको टुकड़ों में पढ़े। भाई आपने देखो एक लाइन पढ़ी उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप लिखते चले, फिर आप देखें कि फाइंड आउट क्या करना है उसका आप फॉर्मूला लिखें, क्या क्या चीज गिवन है आप वो देखें और जो चीज गिवन नहीं है उसको कैसे निकालेंगे। देखो कंसेप्ट होता क्या है, हम बार बार बोलते हैं ना देखो फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, बोले फिजिक्स तो बड़ी कंसेप्चुअल है, तो फिजिक्स है क्या कैलकुलेशन है नंबर एक बात, तो फाइनली क्या है कैलकुलेशन है। स्टार्टिंग में क्या गिवन होगा हमें डेटा गिवन होगा, अब डेटा से कैलकुलेशन तक पहुंचने को जो बीच में ब्रिज का काम कर रहा है वही क्या कहलाता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट कैसे कैसे आएगा, आप सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, सेकेंड वन हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो जो गिवन है उससे फाइंड आउट पे कैसे पहुंचा जाए उसके बीच का जो लिंक बनेगा वही कंसेप्ट होगा। क्लियर, देखो सबसे पहले क्या है, एक कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी, यानी एक कार है जो ओ से डी पे पहुंचती है, देखो ये ओ है ओ से चलकर डी पे पहुंचती है, पाथ ओ ए बी सी डी, देखो यहां से ओ से ए पे गया फिर ए बी पे आया फिर बी सी पे आया फिर डी पे आया, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। देखो भैया वही अब हमें
पूरा ट्रैक दिया गया है, पाथ गिवन है, भाई यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमें कंसेप्ट क्या है कि डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस क्या होता है भैया कि एक्चुअल पाथ लेंथ, वो तो होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होगा भैया, शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे डिस्टेंस की, तो देखो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन सा पाथ चला, देखो ओ से ए गया पहले, तो ओ ए, फिर कहां पे गया, ए से बी, तो यहां पे हमने लिख लिया ए से बी, प्लस उसके बाद कहां पे गया, बी से सी, फिर बी से सी के बाद कहां गया, सी से डी। तो देखो OA क्या हो जाएगा मेरे पास, OA मेरे पास कितना आ गया, 8 प्लस, अगर मैं AB की बात करूं तो AB मेरे पास कितना आ गया भाई, 4 भाई, AB AB क्या है यहां पे, 4 है, कितना है, 4 है। अब मैं बात करूं BC की तो BC फिर मेरे पास कितना है, 4 है, प्लस अगर मैं बात करूं CD की तो CD मेरे पास कितना है भैया, 1, CD कितना है मेरे पास, 1। तो देखो ये क्या हो गया, 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना गया, 17 मीटर। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 17 मीटर। तो देखो डिस्टेंस वैसे तो ऑप्शन 2 हो गया मेरे पास, क्योंकि देखो यही है मेरे पास 17 मीटर, और कोई डिस्टेंस है ही नहीं 17 मीटर वाला। तो अगर ये एग्जाम में आ रखा है तो देखो मेरे को टाइम भी बचाना है एग्जाम में, तो देखो मैं बाकी कैलकुलेशन डिस्प्लेसमेंट निकालने की ही जरूरत नहीं है अगर किसी और ऑप्शन में 17 गिवन ही नहीं है। बट अभी यहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे, भाई डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकाले हम, देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ, भाई इनिशियल पोजीशन क्या है मेरे पास, ओ है, यानी अगर मैं बात करूं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मेरे पास क्या हो गई, ओ। फाइनल पोजीशन की बात करूं तो फाइनल पोजीशन मेरे पास क्या हो गई भैया, डी, क्लियर। अब इनके भी इनिशियल फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा भैया, ये वाली लाइन, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, ये होगा। अब देखो ये वाला पूरा है 4, ये वाला है 1, तो ये वाला कितना बच गया, देखो ये बच गया, देखो 3 किलोमीटर। देखो ये AB में से मैंने क्या घटा दिया, DC, तो ये वाली आ जाएगी मेरे पास, क्लियर है। तो ये आ गया मेरे पास 3। अब मैं बात करूं इसकी तो ये OA मेरे पास कितना था, 8, और CB कितना है मेरे पास, 4। तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक कितना आ जाएगा भैया, ये मेरे पास आ जाएगा 8 - 4, दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास देखो बना क्या, एक तो मेरे पास ये बन गया जिसकी लेंथ कितनी है भैया 4 किलोमीटर, एक मेरे पास ये बन गया जिसकी लेंथ कितनी है भैया 3 किलोमीटर। अब मुझे फाइंड आउट कौन सा करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है ये वाला, तो ये मेरे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 3 ये 4, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √25, यानी मेरे पास कितना आ गया 5 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना हो गया 5, और डिस्टेंस मेरे पास कितना आया था 17। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो यहां पे आपने सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने 4 प्रॉब्लम कराई, तो उम्मीद करता हूं आपको चारों प्रॉब्लम आपने बहुत अच्छे से किए। अगर आपको कहीं पे डाउट रह गया तो एक बार प्लीज वीडियो को बैक करिए, फिर से देखिए, क्योंकि देखो यहीं से आप सीखोगे फिजिक्स। फिजिक्स ऐसे नहीं है कि आपको एकदम से सब कुछ आ गया, एक एक क्वेश्चन डेली आप करोगे तो वहां से फिजिक्स बनेगी। तो आप अगर इन क्वेश्चन में आपको डाउट है, एक बार फिर से वीडियो को बैक करिए, फिर से देखिए, अच्छे से समझिए, तब तक नहीं छोड़ना है तब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ जाए, क्लियर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है मजेदार, देखते हैं क्या गिवन है इसमें। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हमने ऐसे एक्सिस बना लिया, ये एक्सिस हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास क्या हो गया भैया वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि भैया डिमांड है क्वेश्चन में डिमांड है, क्या ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन का मतलब मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊं कि करना क्या है, क्लियर भाई। तो ये ओरिजिन है, तो इसको मैंने पॉइंट दे देता हूं भैया, कितने हो गए 0, 0 ओरिजिन, क्लियर।
अब बोला क्या है वो देख लेते हैं भैया, आगे क्या बोला है, अभी तो हमने पढ़ाई नहीं है ना, आगे क्या बोला है? अभी तो हमने इतना पढ़ा है कि ओरिजिन, ओरिजिन आते दिमाग में तुरंत मैप बन गया भाई, तुरंत कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम आना ही चाहिए, क्लियर है। फिर उसके बाद देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या तो इधर या ये पूरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, क्लियर। लेकिन क्या बोला है, एक्सिस टू द पॉइंट टेन जीरो, यानी कहां पे जा रहा है भाई, यहां से चलकर वो कहां पे जा रहा है, ये वाला इस पॉइंट पे जा रहा है, और इस ये पॉइंट लिखा कितना है टेन कोमा जीरो, यहां पे जा रहा है, क्लियर है। अब बोला क्या है, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट माइनस टेन कोमा जीरो, यानी वापिस वो यहां से जाएगा, फिर वापिस कहां पे आ रहा है, यहां पे, ये पॉइंट बना लेता हूं पहले मैं, माइनस टेन कोमा जीरो, क्लियर। अब पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं है। आपने क्या बोला कि यहां पे गया, यहां से वापस फिर यहां पे आ गया, तो आप लोगों को बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि हुआ क्या है भाई, क्वेश्चन में हुआ क्या है कि यहां से चलना भाई साहब ने स्टार्ट किया है, और यहां से चलकर कहां पे गया, वो यहां पे गया, और यहां से जाने के बाद फिर वो वापिस इस पॉइंट पे आ गया, क्लियर। तो डिस्टेंस तो हमने पढ़ा, डिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ। देखो इस पाथ की लेंथ निकालनी है हमें, अगर इस पाथ की लेंथ निकाल ली हमने तो डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, इनिशियल पोजीशन थी ये वाली, आई लिख दिया मैंने, और फाइनल पोजीशन है ये वाली, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट। देखो समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं भैया क्या होगा मेरे पास, कि मेरे पास डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूं। तो बताओ ये वाला जो ये 10.0 है, ये 0 है, तो ये वाली कितना हो गया, ये वाला हो गया मेरे पास 10 मीटर, क्लियर। तो इसको मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ओ, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ए, और इसको मैंने मान लिया वापस से बी। तो डिस्टेंस के लिए क्या किया है, देखो पहले गया ओ ए, यानी पहले डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं, पहले क्या करते हैं डिस्टेंस। तो पहले गया कहां पे है वो, ओ से कहां पे गया, ए पे, तो एक्चुअल पाथ लेंथ लिख लिया ना डिस्टेंस में, तो ओ ए लिख लिया। फिर ओ ए से कहां पे आया, एओ वापिस आ गया, यानी एओ फिर कितना आ गया, वापिस आ गया। उसके बाद वो कहां पे गया है, ओ बी, कहां पे गया, ओ बी, क्लियर। अब अगर मैं निकालू डिस्टेंस, तो ओ ए कितना है मेरे पास 10 प्लस एओ कितना है मेरे पास, फिर से 10 है, प्लस ओ बी की मैं बात करूं तो ओ बी कितना है मेरे पास, फिर से 10 है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 30 मीटर, यानी डिस्टेंस तो मेरे पास कितना आ गया 30 मीटर। तो यहां पे ऑप्शन में एक में ही है 30 मीटर, क्लियर। अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट भी तो फाइंड आउट करना है हमें। अब देखो इनिशियल पोजीशन है ओ, फाइनल पोजीशन है बी, तो पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ओ बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये वाला हुआ ना भैया, और कितना है ये ओ बी ही है, ओ बी, तो ओ बी कितना हो जाएगा मेरे पास 10 मीटर, ये मेरे पास क्या आ गया भैया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरे पास 10, डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 30, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला, कौन सा हो जाएगा भैया सेकेंड वाला। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो कंसेप्ट जो हमारे चल रहे हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को जरूर करें, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड से रिलेटेड, क्लियर। तो एवरेज स्पीड का एक बार हम फिर से, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं आपको बताने की, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वैसे तो याद होगा, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड, तो देखो एवरेज स्पीड होता क्या था, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी सबसे पहली बात तो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मतलब है एवरेज स्पीड एक इंटरवल के लिए डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन है, इंटरवल के लिए, क्लियर। यानी जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको मैं टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। वहीं पे मैं बात करूं अगर एवरेज वेलोसिटी की,
तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे पास, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भैया एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी ए से चलकर मैं बी पे गया किसी इंटरवल में, टी टाइम इंटरवल में, तो ए से बी तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो मेरे पास क्या आता था, एवरेज वेलोसिटी आती थी। क्लियर है बात? अब मान लो आप लोगों को अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि हमें फाइंड आउट कैसे करना है, मान लो आप लोगों को मैं तीन तीन फॉर्मेट बताऊंगा, ये तीन फॉर्मेट से आपके नाइन्थ क्लास के, ये तीन फॉर्मेट बताने वाला हूं एवरेज स्पीड के, इन तीन फॉर्मेट से आपके नाइन्थ क्लास के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ए टू जेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तीन फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट फॉर्मेट नंबर वन, फॉर्मेट वन, तीन फॉर्मेट बताएंगे। अगर आपने ये तीन फॉर्मेट सीख लिए एवरेज स्पीड निकालने के, तो आपका नाइन्थ क्लास का एवरेज स्पीड का एक भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है, यानी आप सारे क्वेश्चन दो मिनट में कर दोगे, दो मिनट में। तो क्या है, सबसे पहला क्या है कि हमें क्या गिवन हो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन क्या होगा, इफ ए बॉडी ट्रेवल विद स्पीड v1 for time t1 and with speed v2 for time t2। अगर हमें ऐसा फॉर्मेट गिवन हो, क्लियर बात, अगर हमें ऐसा फॉर्मेट गिवन हो तो हम कैसे करेंगे कि हमें क्या बोला गया है कि मान लो ए से चलकर, ये है मेरा ए, और ए से चलकर बी पे गई है गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो बोला कि वी वन स्पीड से चली है, यहां से टी वन टाइम के लिए चली है वी वन स्पीड से, और यहां से चली है कितने टाइम के लिए, टी टू टाइम के लिए, स्पीड कितनी है वी टू। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखो एवरेज स्पीड के लिए करेंगे क्या हम, एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये वाला डिस्टेंस हमने ले लिया d1, ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं भैया ये वाला, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस जो है a से ये वाला, तो ये वाला d1 क्या हो जाएगा मेरा यहां पर भैया v1 into t1। क्लियर? अच्छा ये d2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां पे, v2 into t2। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो d1 plus d2 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा है, t1 plus t2, खत्म। क्लियर बात? अब d1 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो v1 t1 plus v2 t2 डिवाइड बाय t1 plus t2। यानी ये अगर ऐसा फॉर्मेट गिवन होगा तो हमारे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, v1 t1 plus v2 t2 plus t1 plus t2। क्लियर बात? अब अगर मान लो एक चांस और बना दे इसमें कि जो t1 है उसको भी इक्वल दे दे किसके, t2 के, तो मेरे पास जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v1 plus v2 डिवाइड बाय 2। इसी फॉर्मेट का एक स्पेशल केस हो जाएगा जब t1 और t2 क्या गिवन हो, इक्वल। क्लियर है बात? अरे क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलो भाई आगे बढ़े, तो इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब इसमें क्या है, सेकंड फॉर्मेट की अगर हम बात करें, सेकंड फॉर्मेट नंबर टू, तो चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट अभी किया इसका क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है जो ए से चलकर बी पे जाती है। क्लियर? अब गिवन क्या है कि ए से बी तक वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, टाइम कितना दे दिया, टी वन,
टी वन दे दिया मेरे को हाफ आवर यहां से, क्लियर। फिर वो चलती है कितने से, 20 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम के लिए चलती है, 1 आवर। बोला है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो इस केस में मान लो इस तरीके का फॉर्मेट गिवन है आपको, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बड़ा सिंपल है। अभी हमने बताया क्या फॉर्मूला बताया, अभी हमने जो बताया था आपको, क्या बताया था कि वी एवरेज अगर ऐसा फॉर्मेट गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू डिवाइड बाय टी वन प्लस टी टू, क्लियर है। तो वी वन कितना हो गया भैया यहां पे 40, टी वन कितना हो गया हाफ प्लस यहां पे कितना हो गया वी टू 20 इंटू टाइम की बात करें तो कितना हो गया 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1, क्लियर। तो देखो ऊपर से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास कितना आ गया भैया 20, तो कितना आ गया 20 प्लस 20 डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास 3/2, तो कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ गया 3/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होंगे तो इस टाइप में होंगे, तो क्या करना मुश्किल है क्या, नहीं कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्लियर है बात। अब दूसरा फॉर्मेट क्या है, चलो भाई दूसरे फॉर्मेट पे चलते हैं। अब दूसरा फॉर्मेट क्या है हमें गिवन होगा, क्या गिवन होगा कि फॉर्मेट नंबर 2, क्या वो गिवन होगा कि ए बॉडी मूव्स विद स्पीड वी वन फॉर डिस्टेंस डी वन एंड विद स्पीड वी टू फॉर डिस्टेंस डी टू, क्लियर बात। तो एवरेज स्पीड बताओ हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, देखो यही है मेन जो कंसेप्ट है, की कंसेप्ट वही क्या है, एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन क्या है वो देखते हैं, देखो हमें गिवन क्या है कि ये वाला ए से मान लो चले तो डी वन जो डिस्टेंस है वो चलता है वी वन स्पीड से, और जो डी टू डिस्टेंस है ये वाला वो चलते हैं वी टू से। तो यहां पे टाइम देखो, टोटल टाइम निकालना है हमें, तो टोटल टाइम यहां पे टी वन टाइम कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू डी वन डिवाइड बाय वी वन। अगर मैं बात करूं डी टू की, यहां पे बात करूं मैं टी टू की, तो टी टू मेरे पास कितना हो जाएगा भैया डी टू डिवाइड बाय वी टू, क्लियर। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास कितना हो गया डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाय, अब क्या चाहिए मुझे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हुआ टी वन प्लस टी टू, तो यहां पे मैं लिख दूंगा देखो टी वन प्लस टी टू, तो टी वन टी टू हमें कैसे निकालेंगे, डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाय टी वन मेरे पास क्या हो जाएगा टी वन बाय वी वन प्लस टी टू बाय वी टू, क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये एवरेज निकालने का तरीका आ गया अगर मुझे इस फॉर्मेट में गिवन हो। अच्छा इसके अंदर स्पेशल केस दे दे क्या कि मेरा D1 इक्वल है किसके D2 के, यानी क्या गिवन होगा एक कार मूविंग विद स्पीड दिस फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एंड स्पीड दिस फॉर अनोदर हाफ, तो मेरे पास उससे इसमें क्या होगा भाई D1 D2 क्या हो गए मेरे पास इक्वल हो गए, क्या हो गए इक्वल हो गए, तब मेरे पास भी एवरेज क्या निकल के आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं इक्वल ले लू तो मेरे पास आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। सबसे इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाएगा ये, पहले जो एनटीएससी एग्जाम होता था 9th-10th के लिए उसमें भी बार बार पूछा जाता था। तो ये दो फॉर्मेट है, तीसरा बताऊंगा, तीसरा वाला बड़ा सिंपल है इसलिए उसको सबसे लास्ट में रखा मैंने, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो ये जो दो फॉर्मेट है ये बड़े प्यारे हैं, और इन दो फॉर्मेट के साथ साथ जो मैंने एक स्पेशल केस बताया वो भी आप लोगों को कंसिडर करना है। क्लियर बात? जैसे ये वाला हो गया, तो आप लोगों को बड़ा सिंपल है, इसमें क्या किया हमने कि अगर d1 d2 इक्वल होगा तो 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, और अगर इक्वल नहीं होगा तो ये फॉर्मूला है ही मेरे पास। क्लियर बात? तो ये दो फॉर्मेट ऐसे हैं जिसमें आपके नाइन्थ क्लास के सारे एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, कोई एक सिंगल वन क्वेश्चन नहीं बचेगा जो सोल्व नहीं होगा। क्लियर बात? अब मैं बात करता हूं कि तीसरा वाला फॉर्मेट कौन सा है। अगर मैं तीसरे फॉर्मेट की बात करूं तो देखो तीसरा फॉर्मेट बड़ा आसान है। क्या? फॉर्मेट नंबर थ्री। फॉर्मेट नंबर थ्री होना चाहिए इसको नंबर वन पे। क्या? मान लीजिए कि एक कार है, एक कार मूविंग डिस्टेंस डी वन इन टाइम टी वन एंड डिस्टेंस डी टू इन टाइम टी टू। क्लियर है? तो वही है, वी एवरेज का तरीका क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया? डी वन प्लस डी टू। टोटल टाइम कितना हो गया? टी वन प्लस टी टू। ये वाला, ये सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है, सबसे जो सिंपल वाला है वो वाला, इसलिए मैंने इसको क्या कराया? सबसे लास्ट में कराया। क्लियर? तो ये तीन फॉर्मेट में एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व होने वाले हैं। ये तीन फॉर्मेट आपको आने चाहिए। तीन फॉर्मेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? जो मैंने बताया, फॉर्मेट नंबर टू, उसके बाद फॉर्मेट नंबर वन, और ये सबसे सिंपल वाला फॉर्मेट नंबर वन। ये तो आप सिक्स सेवन से करते आ रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रॉब्लम्स पे चलते हैं कि प्रॉब्लम्स आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अब प्रॉब्लम्स में गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए प्लेस ए टू द प्लेस बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 30 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखो वही है, फॉर्मेट नंबर टू है। फॉर्मेट नंबर क्या है? टू है। क्या गिवन है? कि भैया ए से बी पर चले, तो ए से बी पर कितने चले, कितने स्पीड से गए हैं? 20 किलोमीटर पर आवर, और वापस भी आ गए कितने से? 30 किलोमीटर पर आवर। देखो वही है ना डी वन वाला, कि डी वन अगर मैं चलू वी वन से और डी टू डिस्टेंस चलू मैं कितने से? वी टू से। और उसके अंदर भी स्पेशल वाला केस जो मैंने बोला था, स्पेशल केस है वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्या? कि जो मेरा डी वन है वो इक्वल है किसके? डी टू के। किसके इक्वल है? डी टू के। तो कौन सा फॉर्मूला? देखो हमने किया था ना, कौन सा वाला? ये वाला। जब d1 d2 क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो यानी यहां से मैं सीधा यहां पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर है? यानी मेरे पास d1 d1 में मान लेता हूं क्या है मेरे पास, a से b तक, a से b तक गया मैं, तो d1 मेरे पास कितना हो गया? इसको d मान लेते हैं, d, और यही मेरे पास क्या हो गया? d2। तो v एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो क्या हो जाएगा? देखो 2v1 कितना हो गया मेरे पास? 20। v2 मेरे पास कितना हो गया? 30 डिवाइड बाय 20 प्लस 30। देखो कितना आ गया, ये मेरे पास ऊपर आ गया 40 इंटू 30 डिवाइड बाय 50। ये मेरे पास कितना आ गया? 8। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। यानी कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे पास? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने बोला ये जो तीन फॉर्मेट आपको कराया ना, ये तीन फॉर्मेट, फॉर्मेट नंबर वन, फॉर्मेट नंबर टू, 90% तो क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अगर बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा तब आएगा फॉर्मेट नंबर थ्री पे। क्लियर? तो अगर एवरेज स्पीड का आपने ये तीन फॉर्मेट सीख लिए तो आपको नाइन्थ क्लास का मोशन चैप्टर का एवरेज स्पीड का एक भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें एक चीज हमने अभी तक नहीं पढ़ी है कि जो मोशन जो है, ठीक है, मोशन को हम दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। अभी बोले सर कौन सा दो सेक्शन? अरे कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो सेक्शन कौन सा? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अब बात आते कि मोशन, मोशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक क्या हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सर इनके बारे में बताओ कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई अगर कार ए से बी पे जा रही है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मान लो ए से बी के बीच में जा रही है, और ए से बी का कितना है 40 किलोमीटर है, और ये 40 किलोमीटर मान लो एक घंटे में ट्रेवल कर रही है, तो जो नेक्स्ट एक घंटा आएगा यानी नेक्स्ट वन आवर आएगा उसमें भी वो कितना चलेगी, 40 किलोमीटर ही चले, तो हम क्या बोलेंगे भैया वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर डेफिनेशन पे आते हैं, फिर एक बार फिर से समझते हैं क्या, व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मान लेते हैं हम, हमारे पास ये वाला हो गया, ये शुरू के मान लो मैंने मान लिया कि 20 किलोमीटर कितने घंटे में चला, एक घंटे में चला, तो जो नेक्स्ट 20 चलेगा वो भी कितने में ही चलेगा, वन आवर में। नेक्स्ट 20 चलेगा वो भी कितने में ही चलेगा, वन आवर में। तो देखो ना, इक्वल डिस्टेंस चले हम, यहां पे देखो 20 किलोमीटर कितने में चले, वन आवर में, तो नेक्स्ट 20 किलोमीटर भी कितने में ही चले, वन आवर में। नेक्स्ट 20 किलोमीटर भी कितने में चले, वन आवर में। यानी कोई बॉडी अगर ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर। अब आता है सेकंड की सर, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। तो भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते हैं कि क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं बात कर लेता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, व्हेन बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करे, किसमें, उस टाइम पीरियड में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यानी जैसे इसमें वन आवर में 20 किलोमीटर चल रहा था, तो नेक्स्ट वन आवर में अगर वो 20 से ज्यादा या कम चले, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी व्हेन बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये मान लिया हमने कि स्टार्टिंग के में हम कहीं पे जा रहे थे, तो स्टार्टिंग में जो हम बात करें 20 किलोमीटर की, तो 20 किलोमीटर कितने में चला, वन आवर में चला। फिर जो नेक्स्ट 20 किलोमीटर चल गया वो कितने में चल गया, मान लिया हमारा चल गया टू आवर में। फिर 30 किलोमीटर की बात करें, 30 किलोमीटर ये किसमें चल गया, वन आवर में। तो यहां पे आप देखोगे तो अनइक्वल है। देखो 20 चला वन आवर में, फिर नेक्स्ट 20 चला टू आवर में, 30 चला वन आवर में, तो क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस है। तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपके अगर सीबीएसई में आ जाए, बोर्ड में आ जाए, तो ये सीबीएसई जब आपकी एग्जाम होते होंगे, यूनिट टेस्ट होता है स्कूल में, क्या, तो इसमें बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज जो हमने पढ़ा है, जो मोशन की जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, आप पहले मोशन का फर्स्ट लेक्चर देखें। अब फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद आप ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन क्वेश्चंस को करें, और स्पीड निकालने के जो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाए आप उनको करें। तो आपको जो अभी तक हमने पढ़ा दो लेक्चर में, वो बड़े अच्छे से, बड़ा मजेदार लेक्चर है, बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भैया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे ही रिलेटेड, मोशन का लेक्चर नंबर 3। क्लियर है। तो मोशन में अब तक हम दो लेक्चर कर चुके हैं। दो लेक्चर में हमने पहले में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आज हमने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की है कि अगर मान लो क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो आगे आने वाले लेक्चर हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।